We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. खबर है कि तालिबान नेता अब्बास स्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलू न्यूज़ के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई है और दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आज ही सरकार भी बनने की घोषणा हो सकती है तालिबान की ओर से, और ऐसे में पाकिस्तान की मुलाकात हुई है अब्बास स्तानकज़ई से और स्तानकज़ई को अहम भूमिका मिल सकती है तालिबान की सरकार में। कहा जा रहा है कि स्तानकज़ई को विदेश मंत्रालय सौंपा जा सकता है और ऐसे में ये मुलाकात कितनी अहम है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सरकार बनने से पहले ये मुलाकात आखिर कितनी अहम मानी जा रही है, किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, स्तानकज़ई ने अब से कुछ ही दिन पहले भारत के राजदूत से भी मुलाकात की थी और कतर में ही मुलाकात किया था, और पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो मुलाकात हुई है वो भी कतर में हुई है। लेकिन पाकिस्तान बहुत क्लोज है तालिबान के मामले की अगर बात करें तो। पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिसने, उन तीन देशों में शामिल है जिसने पिछली तालिबान सरकार को भी रिकॉग्नाइज किया था, तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। तो ऐसे में पाकिस्तान से इस मुलाकात के दौरान असिस्टेंस, जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, सरकार फॉर्मेशन की जो बात है, तमाम मसलों पे चर्चा हुई है दोनों नेताओं के, दोनों स्तानकज़ई और वहां के पाकिस्तान के एम्बेसडर के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से, ये देखना होगा कि पाकिस्तान की भूमिका क्या होती है, क्योंकि कल ही संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई और उसमें दोनों नेताओं ने यह साफ किया है कि क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा के दौरान दोनों की अफगानिस्तान पे भी चर्चा हुई है और ये साफ किया है दोनों ने कि आतंकवाद को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी साफ संदेश है कि कोई भी हो, तालिबान हो या कोई और हो, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको शिवानी, कि संयुक्त अरब अमीरात जो उन देशों में शामिल था, उन तीन देशों में शामिल था पाकिस्तान के साथ जिसने पिछली तालिबान सरकार को मान्यता दी। जी बिल्कुल नीरज, और यहाँ पर पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि जो सरकार है उसमें उसको अहम भूमिका मिले, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत की खबर है? जी प्रश्न दोहरा जी नीरज, जो पाकिस्तान है वो भी ये चाहेगा कि तालिबान में जो अब सरकार बनने वाली है जिसकी घोषणा आज हो सकती है उसमें वो चाहेगा कि उसको भी कोई अहम जिम्मेदारी जरूर मिले, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, तालिबान के जो भी नेता वो बहुत पाकिस्तान के करीब है और ये माना जाता है कि तालिबान की जो सफलता बहुत आसानी से अफगानिस्तान में रही है उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी सरकार तालिबान के नेतृत्व में बनेगी अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान के अहम स्टेक होगा और पाकिस्तान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन तालिबान जो सरकार बनाएगा वो ईरान के मॉडल पे अपनी सरकार बनाएगा, तो पाकिस्तान के मॉडल पे नहीं बनाएगा, लेकिन चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर, ये ऐसे देश है जिनका प्रभाव वहां की सरकार पर रहेगा। बिल्कुल, यानी कि प्रभाव रह सकता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात हुई है स्तानकज़ई के साथ और आज ही तालिबान अपनी सरकार की घोषणा भी कर सकता है। वहीं पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सीएनएन न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह साले ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान एनआरएफ की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि लगातार अफगानिस्तान में अब हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान वहां पर अपनी सरकार की अब घोषणा कर सकता है। लेकिन पंजशीर एक ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां ये कहा जा रहा था कि तालिबान कभी यहां अपना कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन जंग वहां पर लगातार जारी है जो एनआरएफ है और तालिबान के बीच में, और अब तालिबान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उसने पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है और साथ साथ पूरे के पूरे अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, ये उसकी ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। और ये देखिए,
ये पंजशीर का इलाका है जहां पर गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते होंगे। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, टैंकों का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तोपें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ये पंजशीर का इलाका है अफगानिस्तान में, जहां पर एनआरएफ और जो तालिबानी लड़ाके हैं उनके बीच में ये जंग लगातार जारी है। फायरिंग की आवाज लगातार, देखिए सुनिए किस तरह वहां पर हालात अब बनते जा रहे हैं। और अब तालिबानी दावा कर रहा है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि एनआरएफ का कहना है कि उसने तालिबान के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। जमीनी हकीकत क्या है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए अफगानिस्तान की हैं, जहां पर तालिबानी लड़ाके किस तरह हाथ में बंदूक लिए गश्त कर रहे हैं सड़कों पर, किस तरह खौफ की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और लोग मजबूरन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहुत जरूरी है तो ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें किस तरह लगातार अब गश्त की जा रही है। जो तालिबानी इलाके हैं पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अब उनका कब्जा हो चुका है। और अब पंजशीर में जिस तरह से फायरिंग हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां पर क्या हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लगातार ही दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए पंजशीर में फायरिंग हो रही है। पंजशीर ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां पर ये कहा जा रहा था कि कभी भी तालिबान अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा, और वहां पर जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो लगातार तैनाती बनाए हुए है और इनका लगातार सामना भी कर रही है तालिबानी लड़ाके जो वहां पर मौजूद है। और एनआरएफ की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसने तालिबान के कई लड़ाके ढेर कर दिए हैं, उसकी ओर से एक ट्वीट भी किया गया। हालांकि तालिबान उसकी ओर से ये कहा गया है कि अब पंजशीर पर उसका कब्जा है, और साथ साथ जो अब्दुल्ला साले हैं जिन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया था वो विदेश भाग गए हैं, वो वहां से फरार हो गए हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये गोलियों की आवाज सुनिए, पंजशीर का ये इलाका है, इस तरह फायरिंग हो रही है। आवाजें भी आप सुन सकते होंगे जो वहां पर लड़ाके लड़ रहे हैं उनकी आवाजें हैं, और दोनों ही ओर से फायरिंग हो रही है, चाहे तालिबान की ओर से हो या फिर पंजशीर के भीतर जो एनआरएफ फ्रंट है उसकी ओर से। और देखिए किस तरह टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में, यानी कि पूरी पूरे इंतजाम के साथ लड़ाई हो रही है दोनों ओर से, और दोनों ही ओर से बुरी तरह से जंग छिड़ी हुई है, और अब ये जंग और ज्यादा तेज हो गई है। और तस्वीरें, गोलियों की आवाज आपने सुनी होगी, और धुएं का जो गुबार आप देख रहे थे दरअसल वो एक गाड़ी जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से फायरिंग की वजह से ये हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। فعلا در سنگرای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد، دشمن تارمار شده، فعلا این سلاح دست داشته ما دست طالب گرفته میشه، مرداش دست زمین مانده است، اینجا پیشروی کل مردم.